लखनऊ से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल में एक नवजात बच्ची को चींटियों ने नोच डाला। शिवराज के अस्पताल में सबसे बड़ी अंधेर गर्दी। दुर्मोही बच्चे को चींटियों ने नोच डाला। कहते हैं डॉक्टर इंसान के रूप में भगवान होता है, लेकिन अगर डॉक्टर और अस्पताल लापरवाही पर उतर आए तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में इंदौर के MY अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस सरकारी अस्पताल में एक मासूम बच्ची को पहले तो डॉक्टरों की लापरवाही ने मार डाला, फिर उसके शव को चींटियां नोचती रही। हैरानी की बात यह है कि यहाँ मौजूद डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों को इसकी कोई परवाह नहीं। परिजनों ने जब बच्ची के शरीर पर चींटियों के काटने के अलग अलग घाव देखे तो उसका होता फूट पड़ा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बजाय गलती मानने के देखे अस्पताल के कर्मचारी कैसे बच्ची के परिजनों को ही हड़का रहे हैं। दरअसल 3 दिन के इस नवजात को उसके घर वाले टीका लगवाने के लिए MY अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन टीका लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि शिकायत करने पर भी बच्ची को देखने कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। शाम को जब गए तो दवाई पिलाई उनने जैसा तैसा करके, बोला अब ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी बुखार नहीं उतरा, तो जाकर नर्स उनको बोलने गए, 3-4 बार गए तो भी नहीं आई नर्स। वक्त पर इलाज न मिलने से अस्पताल में ही 3 दिन की मासूम की मौत हो गई। लेकिन जरा लापरवाही तो देखिए, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मॉर्चरी में बच्चे का शव 3 घंटे तक खुले में पड़ा रहा और इस दौरान चींटियां बच्चे के शव को नोचती रही। अरविंद यादव, इंदौर, इंडिया न्यूज़।